कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत होने वाली है। इस बातचीत का एजेंडा क्या हो सकता है, किस तरह की उम्मीद की जाए? गौरव, पहली उम्मीद तो ये थी कि सीज फायर हो। सीज फायर की दो बहुत बड़े फायदे होते हैं। एक, अगर भारत की ही दृष्टि से देखें तो भारत अपने नागरिकों को, अपने बच्चों को वहां से निकालना चाहता है। लेकिन एक बड़ी उम्मीद जो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूक्रेन से लगातार की जा रही है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनते हैं। वो भारत में जो यूक्रेन के राजदूत हैं वो कई बार इस बात को कह भी चुके हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर भारत हस्तक्षेप करे तो शांति बहाली की ओर आगे बढ़ा जा सकता है, और शांति बहाली का प्रयास फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रॉन से लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री लगातार करते, नेफ्ताली बेनेट लगातार करते आ रहे हैं, और उनके प्रयासों की बदौलत कुछ ये शांति हुई है जो फ्रांस के राष्ट्रपति ने पहल की। अब उम्मीद यही कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होते हैं तो इस सीज फायर को और लंबा किया जा सकेगा, ताकि लोग अपने घरों में लौट सके। लाखों लोग इस समय विस्थापित है, लाखों लोग परेशान है, कई लोगों की जान जा चुकी है, बिजनेस को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। तो भारत निरंतर यही बात कर रहा है चित्रा, कि अगर बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकले तो इससे सभी को लाभ होगा, क्योंकि इसका असर न केवल यूक्रेन और रूस में बल्कि पूरे विश्व पर पड़ रहा है। चित्रा, एक दिन में बेहद कम समय के भीतर दो मुल्क जो आमने सामने हैं, युद्धरत हैं, अगर दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों से नरेंद्र मोदी की बातचीत होती है तो कूटनीति के लिहाज से इस बात को समझिए कि इसके मतलब और मायने क्या है। लेफ्टिनेंट जनरल विश्वंबर दयाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। गौरव, आपके सवाल सर। गौरव के, गौरव मेरा छोटा सा सवाल है कि देखिए, कभी भी जो रेलवे स्टेशन हैं और जो मूविंग ट्रेन हैं उन पर रशियंस ने फायर नहीं किया है। जब खार्किव पे इतनी जनता भार है तो क्या ये इनएफिशिएंसी है यूक्रेनियन रेलवेज की, या उनके पास ट्रेन्स कम है? क्योंकि अगर इस तरह जनता खड़ी है, ट्रेन्स है, रेलवे लाइन ठीक है, रेलवे लाइन को कोई डैमेज, तो क्यों नहीं जल्दी निकाल पा रहे? ये क्या कारण है? क्या इनके पास ट्रेन्स की डेफिशिएंसी है? आज तक की टीम पिछले 20 दिनों से यहाँ पर यूक्रेन में है और यहाँ पर बहुत प्रयास कर रहा है यहाँ का प्रशासन और यहाँ का रेलवेज लोगों को निकालने के लिए। रेलवे के एक अधिकारी से जब रेलवे स्टेशन पर हम लोगों ने बात की थी तो उन्होंने कहा, तो हम तो पैसे भी नहीं ले रहे हैं, जो यहाँ से निकलना चाहता है हम मुफ्त में उनको यहाँ से बॉर्डर एरियाज तक लेकर जा रहे हैं, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। लेकिन हाँ, एक बात जिसका कुछ जिसकी निंदा की जा रही थी वो ये थी कि यूक्रेनियन फर्स्ट पॉलिसी क्यों, लेकिन वो इस देश में यूक्रेनियन फर्स्ट पॉलिसी है और पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति है। जो जब पहुंच पाता है रेलवे स्टेशन, ट्रेन चल रही होती है तो वो वहां से निकल पाता है, ऐसा निरंतर हमने देखा भी है, ग्राउंड जीरो पर भी हम लोगों ने देखा है। पहली बात। दूसरी बात, भारी गोलाबारी के बीच लोग घरों से ही नहीं निकल पा रहे थे तो रेलवे स्टेशन कैसे पहुंचते? और इस पर भी हम यहाँ के नागरिकों से भी और रेलवे के अधिकारियों से भी और बातचीत करेंगे। लेकिन स्थिति यही है, अभी युद्ध विराम का ऐलान हुआ है, इस युद्ध विराम के दौरान अब ये लोग सुरक्षित निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जाए तो जाए कहां, ये एक और बड़ी चुनौती है लोगों के लिए।